नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। मैं भारत के नागरिकों को भारतीय वस्तुओं के आधार पर स्वस्थ रखने का कार्य कर रहा हूँ। कोरोना काल है, जिसके कारण लोगों में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। देखा जाए तो अभी विश्व में कोरोना संक्रमण में भारत का दूसरा स्थान हो गया है, जो चिंता का विषय है। जिस अनुपात में कोरोना संक्रमण हो रहा है और लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एक प्रश्न है कि क्या गिलोई के द्वारा कोरोना संक्रमण को खत्म किया जा सकता है या नहीं, इस पर विशेष चर्चा करने की आवश्यकता है। जैसा कि आयुर्वेद में गिलोई को अमृता कहा जाता है और यह अमृत की तरह कार्य करती है। इसमें पौष्टिक होने के कारण यह इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती है, और जब शरीर में कफ, पित्त और वायु बढ़ने लगता है तो इसे नियंत्रित करने में गिलोई का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जहाँ तक कोरोना संक्रमण को ख़त्म करने की बात है, तो गिलोई के साथ साथ खाने वाला कपूर, लौंग, इसके अतिरिक्त दालचीनी, सेंधा नमक, सौंठ और काली मिर्च का काढ़ा बनाकर सेवन करने से कोरोना संक्रमण को पूर्ण रूप से समाप्त तो नहीं, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए यह महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस तरह से देखा जाए तो गिलोई का विशेष महत्व है। और जैसा कि गिलोई के बारे में कहा जा रहा है कि अभी गिलोई का काढ़ा बनाकर लोगों को पिलाने से यह संक्रमण को फैलने से बहुत हद तक रोकता है, इसलिए गिलोई के साथ साथ इन सभी वस्तुओं को मिलाकर काढ़ा तैयार किया जाता है और लोगों को काढ़ा का सेवन करने के बारे में सुझाव दिया जाता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यू को लाइक करें, शेयर करें, जिससे लोगों में इस तरह की जानकारी प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।